नमस्कार, मैं ममता वाजपेयी और आज मैं लेके आई हूँ बहु बेटियों की पाठशाला। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी बहु और बेटियाँ जो पूजा पाठ करती हैं तो उन्हें शादी के बाद पूजा पाठ कितनी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए तो और क्या ज़रूरी है जो करना ही चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। और मैंने पार्ट 6 बनाया था, उसमें मैंने बताया था सासू माँ के बारे में कि बहुओं के साथ किस तरह से तालमेल बिठा के सासू को रहना चाहिए जिससे घर हमारा खुश रहे, परिवार हमारा सुखी रहे। तो अगर आप नहीं देखा है तो आप उसको देखिए और आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो आप वो देखिए। और एक मैं देवी माँ का गीत आपको सुनाऊँगी लास्ट में, और धीमे धीमे से जो आप बिल्कुल याद कर लें और आप ससुराल जाके उसको गाएंगी अच्छे से। बहुत सरल सा गीत है तो मैं आपको सुनाती हूँ बाद में। और आज मैं बता रही हूँ कि हमारी जो बहू और जो बेटियाँ हैं हमारी जो अपने घर में रहती हैं तो पूजा करती हैं। और ये तो मैं क्या है, ये जो मैं बनाती हूँ पाठशाला, ये तो मैं उन बेटियों के लिए बनाती हूँ जो सर्विस करती हैं, मैं उन बेटियों के लिए बनाती हूँ जो नहीं करती हैं, गैर गृहस्थी वाली हैं बेटियाँ हमारी हैं, सब के लिए है। तो सब लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि किसके पास कितना टाइम है और कौन क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि जो बेटियाँ शादी के पहले बहुत पूजा करती हैं, बहुत पूजा में मन लगाती हैं और समय रहता है मायके में तो अच्छी बात है, लेकिन पूजा बहुत ज़्यादा करना तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर मन लगता है तो ठीक भी है। लेकिन ससुराल जब हम आते हैं तो ससुराल में क्या हो जाता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं शायद मुझे उनको प्राथमिकता देनी चाहिए और उसमें हमें मन लगाना चाहिए, और पूजा पाठ के लिए अगर हमें समय थोड़ा कम मिल रहा है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए कि घर के अन्य लोग हैं, सास हैं, ससुर हैं या और लोग पूजा करते हैं, आपके पति देव हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी परेशान हो। आपको किचन का काम देखना है या और चीज़ें होती हैं, किसी किसी की सेवा करना है, घर में कोई बुजुर्ग है उसको देखना है, तो समय नहीं मिल पा रहा है। तो भगवान ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप परेशान हो रही हैं और फिर भी आपको पूजा ज़रूरी है। हाँ, कितना ज़रूरी है ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या ज़रूरी है। तो आप जब ससुराल जाएं तो सुबह उठ कर के आप अगर चाय पहले पीती हैं तो आप पी लीजिए, औरों को भी पिला दीजिए, और उसके बाद आप नहाइए धोइए, और यदि आप बहुत लेट में नहाती हैं तो आप अपनी आदत डालिए कि थोड़ा सा जल्दी नहाएं, कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी नहाएं, और नहा धो करके आप भगवान जी के पास जाइए और ज़रूर जाइए। सिर्फ 5 मिनट के, अगर टाइम है तो 5 मिनट के लिए जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर भगवान जी के पास, और उनके पास जाके दुर्गा जी का की चालीसा पढ़िए। और दुर्गा चालीसा सभी बेटियों को पढ़नी चाहिए, बहुओं को भी पढ़नी चाहिए, और ये एक नियम में अपने रखना चाहिए कि हमें दुर्गा चालीसा पढ़नी है। और गणेश चालीसा भी होती है जो वो भी घर को स्वस्थ संपन्न सुखी रखने के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर आप उसको पढ़ सकती हैं नियम में तो आप चाहे गणेश चालीसा या दुर्गा चालीसा किसी का नियम डालिए कि रोज़ एक चालीसा कोई पढ़ना है। और अगर गौर है आपके घर में रखी होगी, मंदिर में रखी रहती है लोगों के घर में, तो गौर से सुहाग लेंगी, गौर को सुहाग देंगी और सिंदूर देंगी और सुहाग लेंगी और सूर्य भगवान को जल देंगी, तुलसी जी को जल देंगी। अगर आप बहुत शुद्ध नहीं महसूस कर रही हैं अपने आप को कि मैं बहुत शुद्ध नहीं हूँ, तो आप सूर्य को जल नहीं देंगी और आप तुलसी जी को जल देंगी। और ज़्यादा शुद्ध नहीं है तो तुलसी जी को भी नहीं देना है, शुद्धता से ही देना है, लेकिन फिर भी सूर्य भगवान की अगर पूजा करना है तो बहुत शुद्ध होना चाहिए, आपके सारे कपड़े धुले हुए अच्छे साफ़ सुथरे होने चाहिए, और सूर्य भगवान को ऐसे जल दिया जाता है। ठीक है, माई तुलसी मैया तो हमारी बहू बेटियों के लिए ही बनाई गई हैं, तो आप तुलसी जी माता को जल दीजिए और फिर उसके बाद अपने नित्य कर्म कामों में लग जाइए, आप घर का काम कीजिए।
लेकिन आप इस बात के लिए कलहपूर्ण वातावरण मत बनाइए कि मैं तो मायके में ऐसे करती थी, मैं तो इतनी पूजा करती थी, आज मैं नहीं कर पा रही हूँ या मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। ऐसा नहीं कि आपको भगवान ब्लेम करने लगेंगे या कहने लगेंगे कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने दूसरी जिम्मेदारी तुम्हें दी है, तुम्हारी शादी हुई बेटी के बाद बहू बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वो जो जिम्मेदारी दी है ईश्वर ने तुम्हें, उसको निर्वाह करना बहुत बड़ी बात है। तो उसको भी ध्यान में रखें, और उसके साथ आप भगवान आपके साथ हमेशा होंगे। जब अपने बेटी होंगी, आपने पूजा की होगी अपने मायके में, तो उसका पूरा ध्यान भगवान रखते हैं और वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको अन्य चीज़ें ज़रूरी है कि घर से कोई भूखा ना जाए, अगर किसी को नाश्ता मिला या नहीं मिला, ऐसा नहीं कि आप पूजा करती नहीं और ऑफिस का टाइम हो गया, बच्चों या कोई जिठानी के बच्चे हैं या और बच्चे घर में या कोई भी है ऑफिस जाता है और वो चला गया और आपने उसको नाश्ता पानी नहीं दे पाया, क्योंकि आपकी धुन है कि नहीं मैं तो भाई अपनी पूजा जो है वो कर लूँगी तभी मैं नाश्ता पानी दूँगी, तो ये सही नहीं है और मेरी नज़र में सही नहीं है। और क्योंकि जो मुझे समझ में आएगा वही मैं आपको बताऊंगी, और शायद ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे ससुर जी भी यही कहते थे, कहते हैं कि जब मैं पूजा करता हूँ, और मेरे पिताजी भी यही कहते थे कि जब मैं पूजा करता हूँ और एक एक घंटे तक, तो बहू बेटियों को इतना ज़रूरी नहीं है कि वो एक एक घंटे पूजा करें, यह है कि अपना भगवान को हाथ जोड़ें, जल दें तुलसी जी को, यही उनकी पूजा है, घर का काम देखें तो यही उनकी पूजा है, तो ऐसा होना चाहिए। फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, हम लोगों की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हम अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी हमारी कम होती हैं और बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, फिर हम अपनी पूजा को भी बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे को मन में आया कि कभी कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं, मैंने देखा है सुना भी है ऐसा कि ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं घरों में कि वो में बहुत पूजा करती हुई आती हैं अपने मायके से, फिर वो पूरा सोचती हैं बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल यार मुझे वो व्रत करना, मुझे ये व्रत करना, मुझे ऐसा करना, मुझे नहीं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, लेकिन यह है कि एक व्रत अगर आप करना चाहती हैं हफ्ते में तो आप कर सकती हैं, या 15 दिन में तो आप कर सकती हैं, एक व्रत आप कर सकती हैं। तो उसके बाद मैं आपको एक देवी जी का गीत सुनाऊँगी, तो आप मेरा सुनिए देवी जी का गीत, बहुत धीमे धीमे ढोलक में सुनाऊंगी, और या कहिए मैं बहुत अच्छी ढोलक नहीं बजाती हूँ, और उसके बाद मैं गाना भी धीरे धीरे गाऊंगी, क्योंकि आपको समझ में आना है, आपको सिखाना है मुझे, तो आप सीखिए गाने को और मैं लिख दूंगी तो आप उसको याद कर सकते हैं। चुनरिया माँ की रेशमी कोई गोटा लगा दे